तो भोले भंडारी, आज दिनांक 2 जुलाई 2020 भी ये हमारा दूसरा संभाषण है। आज का हमारा विषय है, परमात्मा ने हमें दोबारा कहा कि ये भी वीडियो बनाओ। मैंने कहा साहब बना लेते हैं। हमारा विषय, बड़े भैया इतने ज़्यादा लड्डू मत खाओ, देखो पेट फूट जाएगा। बड़े भैया इतने ज़्यादा लड्डू मत खाओ, देखो पेट फूट जाएगा। दोस्तों आप कहोगे कि भाई मंगल क्या आप कह रहे हो, तो सुनो, हम जब छोटे छोटे से थे तो हमारे दादा से हम कहानियाँ सुनते रहते थे। बाबा आज कोई कहानी सुनाओ, आज कोई और नई सी सुनाओ उन्हें। कभी वो राजा रानी की सुना देते, कभी कोई किसी और चीज़ की सुना देते। हम बड़े उछल उछल कर राजी रहते कि हाँ कहानी बहुत अच्छी है। कभी जंगल की सुना देते, कभी कभी हमें वो ये भी सुनाया करते थे। उस समय हमें यह तो पता नहीं चलता था कि ये कहानी है, ये सच्ची है, झूठी है, कल्पना है या कोई सत्य घटना है। हमें तो बस मज़ा लेने से मतलब था। फिर बाबा के पीछे पड़ जाते, दादी के पीछे पड़ जाते। हमारे दादा हमको ये भी कहानी सुनाते थे कि सुनो 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 यार बच्चों, तुम्हें ये लड्डू कितने अच्छे लगते हैं। हम कहते हैं बाबा बहुत टेस्टी लगते हैं, ये पीले पीले से, ये पीले पीले से बेसन के लड्डू, इतने इनको तो जितना खा ले उतने अच्छा है। भाई मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूँ। एक बार किसी की शादी थी। अच्छा शादी थी तो क्या हुआ कि एक बाबा जी आया घूमता घूमता, उन्होंने कहा, उसने कहा कि बच्चों खाना खाऊंगा। लोगों ने कहा कि बाबा खाना खा ले, और उसको पत्तल देकर वो खाना खाने बैठ गया। तो क्या हुआ कि वह बाबा तो उसको लड्डू डालते और गप गप सारे लड्डू खा जाता। फिर उसको लड्डू देते और फिर सब लड्डुओं को खा जाता। सारे लोग अचंभे में पड़ गए कि भाई अब क्या किया जाए, ये तो इतने लड्डू खा गया, वह इतने लड्डू खा गया, इतने लड्डू खा गया कि कोठियार में लड्डुओं की कमी पड़ने लग गई कि भाई अब क्या करें। फिर क्या हुआ कि भाई बाबा हमारे पास तो अब लड्डू यही थे, अब लड्डू नहीं है। तो उसने कही कि भाई बच्चों कोई बात नहीं। तो क्या हुआ कि वह बाबा जाने के लिए खड़ा हुआ, क्योंकि उसने इतने लड्डू खा लिए थे, इतने लड्डू खा लिए थे कि जैसे ही वो खड़ा हुआ उसका पेट फूट गया और वो सारे लड्डू उस पेट में से निकल निकल कर बाहर आ गए। अब देखो इसका चित्रण हमने लगभग इसी तरह से किया है। हम इन कहानियों को बड़े चटकारे ले लेकर सुनते थे, बड़े राजी होते थे, देखो बाबा वो कितना बेवकूफ़ था, कितना लड्डू खा गया, अरे ऐसी भी लालच किस काम की जिसमें कि वो पेट ही फूट गया। भाई बाबा ऐसा तो उसको नहीं करना चाहिए था दादा, हाँ नहीं करना चाहिए था। हम शिक्षा लेते मनी मन में कि हम इतने लड्डू नहीं खाएंगे। आज मुझे देखिए, यह लड्डू खाता पेटू, यह पेटू देखो जिसने कितने लड्डू अपने पेट में भर रखे हैं, यह लड्डू खा रहा है। मान लो ये देश का एक बड़ा भाई है हमारे, और इस पेट से रिश्ते हम क्या देखते हैं। ये हमारे देश में एक तरफ हम ये समस्याएं देखते हैं। देखो ये क्या है, पहली समस्या ये डायरेक्ट आईएएस लेटरल एंट्री, यह ईवीएम की समस्या, ये राफेल की समस्या, ये जीडीपी का भसोट हो जाना,
ये कोरोना आ जाना, बेरोजगारी, भूखमरी, ये पुलवामा, ये चाइना का मैटर, ये मनुस्मृति के विरोध समर्थक विरोधियों का टकराव, ये 370-35 है, ये CA, ये संविधान को जलाना, और ये क्या होना देश के सामने समस्या बाएं खड़ी हैं। इन समस्याओं को देख करके हमें वह बचपन वाला पेटू बाबा याद आता है और हमें वर्तमान का भी पेटू बाबा याद आता है, भारत का बड़ा भाई पेटू वह याद आता है। उसके साथ साथ हमारी ये समस्याएं भी हमें ये दिखती हैं और हमें इसमें एक कोरिलेशन दिखता है कि भाई ये समस्याएं मान लो ये 20 हैं तो ये सारी समस्याएं हैं जो निकली हैं इस पेटू बाबा के ज़्यादा लड्डू खाने से। यह पेटू बाबा किसी और को लड्डू खाने नहीं देता, और ला और भाई मैं ही खाऊंगा, और ला और मैं ही खाऊंगा, चाहे सारे लोग भूखे रह जाएं। और ये खाता ही जाता है, दोबारा देख लो ये लड्डू खाता पेटू बाबा, ये हमारा पेटू बाबा जिसने लड्डू भर रखे हैं, ये हमारे देश की समस्याएं जो 20 समस्याएं अभी हमने जो काउंट किए हैं। भाई एक एक समस्या देश को भसोट कर सकती है। मान लो रिसेशन को ले लो, बेरोजगारी को ले लो, महंगाई को ले लो, इसको ले लो, तो एक समस्या ही तबाह कर सकती है। भाई 20 इस समस्याओं से भारत कैसे उभरेगा? हम ये छोटे से आदमी ये सोचते ही रहते हैं। और उसके बाद देखो हमारा प्रधान सेवक, देखिए ये 20 समस्याओं का वह एक ही इलाज देता है, और वह इलाज क्या है? सब चंगा सी। वह हमारा प्रधान सेवक एक ही इलाज झटके में सारा इलाज कर देता है, यह सब चंगा सी। पेटू बाबा के पेट में लड्डू और भरने दो, यहाँ तो सब चंगा सी। अरे चाइना ले जाए तो क्या है, नहीं लेकर गया, अरे ये मीडिया हमारे हाथों में, सब इतने भक्त हमारे हाथों में, अरे लेकर ही नहीं गया। GDP तो बहुत अच्छी है, राफेल में हमने कुछ नहीं किया, एवरीथिंग बेस्ड ऑन फालसुड, झूठ पर। अरे भाई कोई समस्या आ गई तो कम से कम उसका इलाज कराएं। घर के परिवार के मुख्य सदस्य, पापा या गार्जियन को कोई समस्या आ गई तो लो भाई उसका इलाज कराओ। लेकिन यदि वो पापा वो गार्जियन ये कहने लगे कि बच्चों को रोटियां नहीं है, तब कहेंगे रोटियों की क्या कमी है, चुप बैठ जाओ सो जाओ। आज बिजली नहीं आई भाई इसको इलाज करो, बिल नहीं भरा या क्या कारण है, वो कहेगी अरे आ तो रही है बिजली की क्या है। भाई साहब बड़ी भयानकता में देश फंसा हुआ है, क्योंकि हमारा प्रधान सेवक हमारे घर का मुखिया कहता है सब चंगा सी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 20-30 समस्याएं हैं, मान लो 20 समझ लो, उनके बराबर तो उनसे ज़्यादा ही तो ये अकेली समस्या है कि प्रधान सेवक या घर का मुखिया कहता है कि सब चंगा से चंगा, कोई समस्या है ही नहीं। भाई अब इन समस्याओं का इलाज कैसे होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ तो रिकॉर्ड में समस्या है ही नहीं। इसका मतलब इस अकेली समस्या जो इन 20 समस्याओं के बराबर तो है ही, इनसे ज़्यादा भी हो सकती है, तो हमारी समस्या 20×20 हो गई। एक समस्या से 400 गुना ज़्यादा हमारी समस्या बढ़ गई। अब भाई अब हम कैसे बचेंगे, यह देश कैसे बचेगा? उसके बाद फिर देखिए थर्ड फ्रंट पर हम आते हैं तो ये कि तुम कुछ नहीं कर सकते।
परिवार में यदि किसी का दिमाग खराब हो गया हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया हो, तो भाई इसका इलाज कराओ, गोली लो, पेट साफ कराओ, जो भी कराओ, लेकिन यहाँ हालत है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। वो कहता है कि तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है, न तुम उसको हटा सकते, न उसका इलाज करा सकते, न पॉइंट आउट कर सकते, क्योंकि वह इतना ताकतवर ताकत दिखा रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी को ही भारी पड़ जाएगा। यह आज इस देश में हालत है। अब भाई क्या करें। ये भाई अच्छा हुआ, एक पेटू बाबा सारे लड्डुओं को खा जाता है, देश की सारी समस्याएं उस लड्डू खाने से निकलती है, बीसों समस्याएं, और बीसों समस्याओं से भी बीसों गुना ज़्यादा वो अकेला ये है कि सब चंगा सी, और उससे भी 200 गुना ये समस्या है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। अपने पापा को, बड़े भाई को, बीमार को, जैसे उसका इलाज तो करा सकते हो या उसको हटा दो कि भाई तुम शांति से बैठो, हम करेंगे, लेकिन यहाँ तुम कुछ नहीं कर पा रहे। भाई तो हमारी ये एक समस्या ही बहुत भारी है, उससे तो ये पूरा देखा जाए तो 8000 गुणी समस्या हो गई। हे भगवान परमात्मा, हमारा देश कैसे बचेगा, हमारे 135 करोड़ लोगों की जान कैसे बचेगी। दोस्तों मैंने मेरी रिसर्च में पाया, मैंने कहीं पढ़ा भी था, एक महान आत्मा की एक किताब थी, और शायद ये शब्द ईसा मसीह साहब के भी थे, यू हैव द पावर्स यू नो नॉट, ये हैव द पावर्स ये नो नॉट, तुम्हारे पास वे शक्तियां हैं जिनको तुम जानते ही नहीं, और वे बड़ी अद्भुत शक्तियां हैं, वे कुछ भी कर सकती हैं। जब मैं अपनी समस्याओं से घबराता था, हथियार डाल देता था, बुरा बुरा सोचता था, तो तब मेरे वो किताब हाथ लगी, मेरे वो रिसर्च में ये पता चला कि यू हैव दी पावर्स यू नो नॉट एंड दोज पावर्स आर वेरी वंडरफुल, दे कैन डू एनीथिंग, वे शक्तियाँ बड़ी अद्भुत हैं, कुछ भी कर सकती हैं। मैं उन शक्तियों के बारे में आपको बताता ही रहता हूँ, इसलिए दोस्तों चिंता मत करो, भगवान से प्रार्थना करो। आप फिजिकली विरोध करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फला एक्ट है, वो है, ये कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, ग्रिल के अंदर डाल दिया जाएगा, कुछ भी हो, लेकिन उन शक्तियों का यूज करिए, मैं भी करता हूँ, और देखो परमात्मा ऐसा चमत्कार करेगा कि जो किसी को और कोई एक भी लड्डू नहीं खाने देने का, जो सब खा जाता है, उसका पेट फूट जाएगा। उस समय तो ये कहानी होगी, लेकिन ये अब सचमुच हो जाएगी, क्योंकि बहुत बार ये सच होती रही है, क्योंकि उस परमात्मा का डिवाइन ग्रेस आता है। कभी कभी मैं भी हिम्मत हार हो जाता हूँ, परसों मैं बड़ी हिम्मत से बोल रहा था, कल शाम को मैं भी डाउन हो गया, आज शाम को फिर मुझ में परमात्मा ने कोई हिम्मत दी और मैंने ये वीडियो आपके लिए हिम्मत वाला बना रहा हूँ। यू हैव दी पावर्स यू नो नॉट, इन शब्दों को याद रखिए, और भी बहुत से अद्भुत शब्द हैं, अभी मेरे याद नहीं आ रहा, वीडियो लंबा हो जाएगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत की रक्षा अवश्य होगी।